कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग भारत को बांग्लादेश और श्रीलंका बनने से बचा लीजिए, नहीं तो बहुजन समाज हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे, तो आपको हमको लगता है कि इस देश में भागने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। 2024 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि एससी एसटी और ओबीसी के जो बच्चे जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स लाएंगे उनको जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन होगा। शेष नागपुर से लेके दिल्ली तक खलबली मची हुई है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, उनके कैबिनेट में शेर को पिंजड़ा में बंद करिए और चाहे जंगल में छोड़िए, शेर शेर ही होता है। इस देश में कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करके सुप्रीम कोर्ट में भारतीय न्यायिक आयोग की स्थापना कराने के लिए बताएंगे कि आज के आंदोलन के बाद हम लोग का अगला कदम क्या होगा। मुझे लगता है अमर ज्योति जी हैं, सरकार डर गई, आप लोगों के साथ भीड़ नहीं है। देखिए सरकार तो पहले से डरी हुई है, 21 अगस्त के भारत बंद हुआ उसके बाद ये बड़ा जो आंदोलन हुआ उस पर आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से सरकार ने हमारे रामलीला मैदान में जो बड़ा महारैली होने वाला था उसके परमिशन को रद्द किया है, इसे सीधे तौर पे दिखा रहा है कि आरएसएस नागपुर से लेके दिल्ली तक खलबली मची हुई है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, उनके कैबिनेट में खलबली है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम मनुवादी जो 30 जज हैं जो हमारे हक अधिकार को छीनने के लिए लगातार फैसले दे रहे हैं, इन सब में खलबली मची हुई। इसको घबरा करके ये लोग नहीं चाहते थे कि महारैली में लाखों लोग पहुंचे, इससे घबरा के हमारे परमिशन को आखिरी दौर में रद्द किया गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि जितना हुजूम देश से आया है, सारे प्रदेशों से, बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, मुसलमान, धार्मिक अल्पसंख्यक, तमाम जो लोग पहुंचे हुए हैं अपने हक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए, इस देश में जातिगत जनगणना कराने के लिए 10% ईडब्ल्यूएस के तर्ज पे हमारे और भी जो निर्धन शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको अधिकार दिलाने के लिए, और इस देश में कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करके सुप्रीम कोर्ट में भारतीय न्यायिक आयोग की स्थापना कराने के लिए सारे जो बहुजन समाज के लोग पहुंचे हुए हैं, आप उनका हौसला, उनके मनोबल को आप देख लीजिए कि कितने मजबूती से वो लोग इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पे लाखों की संख्या में पहुंचे हुए हैं। और मुझे लगता है कि हमारे जनबल को देख करके इस सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारे अधिकारों को लौटाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम शेर को पिंजड़ा में बंद कर दिए है, अब कुछ होने वाला है। देखिए शेर को पिंजड़ा में बंद करिए और चाहे जंगल में छोड़िए, शेर शेर ही होता है। आप वेट कीजिए, जब एक कदम पीछे शेर लेता है ना तो लंबा छलांग मारता है और फिर गर्दन दबोच लेता है। अच्छा। तो मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग बड़ा आदर करते हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कोई असंवैधानिक कार्य नहीं करेंगे। लेकिन हम भी आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी कोई भी संविधान में जो मूल भावना है संविधान का आरक्षण को लेकर के उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करिए, नहीं तो हम लोग सोए हुए शेर है। हमारे महापुरुष का कहना है बहुजन समाज सोया हुआ शेर है, उंगली करोगे तो चीर देगा। तो यही बात है, सरकार के लोग, सुप्रीम कोर्ट के लोग, जज लोग समझ जाइए भैया, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी आग्रह कर रहे हैं, हम लोग संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, भारत बंद करवा रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप लोग संविधान के साथ, जिस प्रकार से आप लोग गलत तरीके से संविधान के साथ एक तरह से कहा जाए तो आप लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर जब हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे तो आपको हमको लगता है कि इस देश में भागने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। और बहुजन समाज के लोग, हम नहीं चाहते हैं कि भारत में श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो, और इस देश का बहुजन समाज का युवा संसद में घुस करके, सुप्रीम कोर्ट में घुस करके तांडव मचाए, इसलिए आग्रह है, हम हाथ जोड़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग भारत को बांग्लादेश और श्रीलंका बनने से बचा लीजिए, नहीं तो बहुजन समाज सोया हुआ शेर है, और शेर है तो भाई सब लोग आप ढेर हो जाइएगा, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि आप लोग हमारे अधिकारों को शांतिपूर्वक लौटा दीजिए और हमारे संविधान और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं कीजिए, नहीं तो माकूल जवाब मिलेगा। आवाज दो गैरों की न गैरों की, बीमारी से रोकी, गैरों की न गैरों की, बीमारी से रोकी। अमर ज्योति भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोग भारत बंद भी किए, यहाँ रैली भी बुलाए, ना सरकार की नींद खुल रही है ना ही सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान ले रहा है। देखिए ना, डर तो रहा है सरकार, क्या बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन 21 अगस्त भारत बंद हुआ उस दिन एक फैसला आया, पता है, आप लोग नहीं देखे, सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला कि इस देश में जो जनरल कैटेगरी की सीटें हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के लिए वो सीटें नहीं है, उसमें एससी एसटी और ओबीसी की भी जो मेरिटोरियस जो मेरिट करते हैं, लेकिन एससी एसटी और ओबीसी के जो मेरिट वाले बच्चे हैं उनको एससी और एसटी और ओबीसी कैटेगरी में ही नौकरी देते हैं।
तो इस देश में टीना डाबी टॉप की ना, इस देश में नीतीश कटारिया यूपीएससी टॉप किया ना, तो मेरिट कहाँ था? वो एससी लड़का है ना, एसटी लड़का है ना, तो वैसे लोग जब मेरिट में आ रहे हैं तो तुम उसको जनरल वाला सीट नहीं दे रहे हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त के भारत बंद से डर करके, आप जाके जजमेंट पढ़िएगा 21 अगस्त 2024 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, एससी एसटी और ओबीसी के जो बच्चे जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स लाएंगे उनको जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन होगा, और उनका एससी एसटी का जो सीट है वो उनके, और जो कम नंबर वाले एससी एसटी और ओबीसी के समाज के जो लोग हैं उनको वो सीटें दी जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का झुकने का निशानी है और सरकार के झुकने की निशानी है कि लेटरल एंट्री पे एससी एसटी और ओबीसी के लोगों के भी अब लेटरल एंट्री से बहाली होगी। तो ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट झुकेगा, बस हम लोग को रुकना नहीं है और हम लोग को टूटना नहीं है, एकत्रित होकर संगठित होकर के हम लोग को लड़ाई लड़ते रहना है। और सरकार और सुप्रीम कोर्ट इधर में झुकाने का काम एकमात्र समाज है जिसका नाम है बहुजन समाज। एससी एसटी ओबीसी मिलकर ही सरकार और सुप्रीम कोर्ट को बार बार झुकाएगा, हमारे जब हक और अधिकारों की कटौती होगी। इस आंदोलन के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट और सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो अगला कदम आजाद समाज। देखिए हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी तमाम मुद्दों को लेकर बहुत संवेदनशील है, और अगला कदम बताने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सांसद महोदय आज के महारैली में आप सबको बताएंगे कि आज के आंदोलन के बाद हम लोग का अगला कदम क्या होगा। मुझे लगता है कि आज के आंदोलन के बाद ही सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे अध्यादेश लेकर के आए कि वर्गीकरण नहीं हो, 10% अलग से आरक्षण दिया जाए या जातिगत जनगणना करवा लिया जाए। अगर सरकार झुक गई तो अच्छी बात है, नहीं तो नेताजी हमारे इस देश में फेमस है अपने रुतबे के लिए, और वो जो फैसला लेंगे पूरा बहुजन समाज देखेगा, सारे मीडिया के लोग भी आप लोग सुनिएगा। तो मैं यही कहूंगा कि हमारे नेताजी जो आज भाषण देंगे उसको सुनिए आप लोग और देखिए कि वो क्या कह रहे हैं।